नमस्कार, मेरा नाम दामिनी ठाकुर है। मैं पांचवी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सिराज माउंटेन गुरुकुल स्कूल जंजहली है। मैं आपको सोने की कुल्हाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक बार एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। पहले लकड़हारे का नाम रामू था और दूसरे लकड़हारे का नाम रमेश था। रमेश बहुत ही आलसी आदमी था और रामू ईमानदार आदमी था। एक दिन रामू नदी के किनारे लकड़ी काटने गया तो उसकी वह लकड़ी काट रहा था और उसकी लकड़ी उसके हाथ से फिसल गई और पानी में गिर गई और वह रोने लगा और कहा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी जल देवता बाहर पानी से बाहर निकले और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और कहा रामू, क्या ये तुम्हारा लोहे की कुल्हाड़ी है, चांदी की कुल्हाड़ी है? तभी रामू ने कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी जल देवता पानी में वापस गए और सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तभी माता ने कहा, रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं माते, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी जल देवता पानी में फिर से गए और एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तभी माता ने कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तभी रामू ने खुश होकर कहा, हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी माता ने कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली है, ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ, मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें भेंट में देती हूँ। तभी वह अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तभी रामेश छिप छिप कर ये बातें सुन रहा था और वह नदी के किनारे लकड़ी काटने गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में डाल दी और ऐसे ही रोने लगा। तभी जल देवता बाहर आए। जल देवता ने कहा, क्या हुआ रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? तभी रमेश ने कहा, माते, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तभी माता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और वह रमेश की थी। माता ने कहा रमेश, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने झूठ कहा और कहा, माते, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी माता ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, बेटे, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी माता ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, रमेश, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तभी रमेश ने झूठ कहकर कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तभी माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस नहीं दूंगी। शिक्षा लालच बुरी बला है। धन्यवाद।